तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, R13 डेड है, विन सर्किट का प्रॉब्लम है इसमें। चलिए इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले डीसी ऑन है, डीसी ऑन करते हैं, ऑन करते हैं डीसी को। डीसी में आप देख पाएंगे, डीसी में जो एम्पियर ले रहा है वो अप्रॉक्स 0.030 3029 है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही सही है। अभी यहाँ पे चेक करता हूँ मैं पावर बटन पे, तो पावर बटन पे कहीं पे कोई वोल्टेज, मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे लगा देंगे। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज रेंज पे लगा दिया है मैंने, अभी चेक करते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट पावर बटन पे आ रहा है, पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एम्पियर नहीं ले रहा है कुछ भी। देखिए यहाँ पे मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी एम्पियर नहीं है। ओके, एक बार कोशिश करता हूँ इसको ऑन करने का डायोड रेंज पे। मल्टीमीटर डायोड रेंज पे है, अभी कोशिश करेंगे इसको ऑन करने का। बोर्ड को ऑन करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, बोर्ड में कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। चलिए चेक करते हैं क्यों ऑन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। तो 3.5 बन रहा है, मतलब विन सर्किट तो ओके ही है, विन सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बोर्ड को ऑफ करके ऑन करेंगे, ऑफ ऑन कीजिए, फिर से ऑन कीजिए, तो फिर से 30 है, मतलब विन सर्किट में ठीक है सब कुछ लगभग। लेकिन एक पॉइंट देने वाली बात यह है कि डीसी जैक का जो लाइट है वो ग्लो नहीं किया है, डीसी जैक का जो लाइट है वो ग्लो नहीं किया है, मतलब हो सकता है विन का प्रॉब्लम हो इसमें। विन पास तो हो रहा है लेकिन डीसी जैक का लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ इशू है अभी इस बोर्ड में। चलिए देखते हैं क्या इशू हो सकता है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। विन पास तो हो रहा है लेकिन विन के मॉस्फेट्स की कंडीशन को चेक करेंगे, क्या विन का मॉस्फेट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। सबसे पहले यहाँ पे चेक करूँगा मैं इस एरिया में वोल्टेज का स्टेटस। यहाँ पे मैंने देखा 19 वोल्ट ओके है, ओके होने के बाद ये मॉस्फेट जो यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा सा, इस मॉस्फेट के ऊपर चेक करते हैं इसका क्या स्टेटस है। इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट ओके है, अब इसके गेट वगैरह का स्टेटस देखते हैं क्या है। तो गेट के ऊपर 28 वोल्ट ये भी ओके है, आउटपुट 19 वोल्ट ये भी ओके है, मतलब ड्रेन पे इनपुट आया सो उससे आउट हो गया और वो भी बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज, तो ये ओके है। अब इसके बाद हम क्या चेक करें, आगे चलते हैं। आगे आने के बाद एलईडी अगर ग्लो नहीं हो रहा है तो एलईडी ग्लो कराने का काम जो है वो SIO चिप का है, तो डायरेक्ट हम SIO पे जाएंगे और इसकी पिंस पे देखेंगे क्या ये डिटेक्ट किया है अडेप्टर को या फिर नहीं किया है, क्योंकि अडेप्टर को डिटेक्ट करेगा उसके बाद ही एलईडी ऑन भेजेगा। अगर यहाँ पे डिटेक्ट करके एलईडी ऑन को ग्राउंड कर देता है, मतलब एलईडी ऑन का सिग्नल जनरेट कर देता है, इसका मतलब प्रॉब्लम फिर आगे एलईडी के सर्किट्स वगैरह में है। लेकिन मेरे को यहाँ पे हिंट्स मिल रहा है SIO की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एलईडी जो है वो ग्लो नहीं किया है और बोर्ड ऑन भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन है, तो मैक्सिमम चांस है सर्किट की प्रॉब्लम नहीं, मतलब एलईडी की सर्किट की तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ स्कीमेटिक की तरफ।
इसके 86 नंबर पिन पे देखना है अभी हमें क्या स्टेटस है। यहाँ पे 65 ये ऐसा चिप के ऊपर देख सकते हैं 65 है यहाँ पे। एक्चुअली वो कैमरा जो है ज़्यादा ही इधर की ओर है, मैं इसको इधर एडजस्ट कर देता हूँ। अभी सही देख पाएंगे, 86 था ना, यहाँ पे 96 देख रहे होंगे आप लोग, 96 इसका मतलब ये 90 है। और लेंस चाहिए होगा मेरे को, ये अगर 90 है, 89, 88, 87, 86 पे देख रहे देख सकते हैं एसी इन जो है यहाँ से गायब है, इसको एसी इन नहीं मिल रहा है। कितने पे? 86 पे। अभी मैं क्या करूँगा, मिनी डीसी का यूज़ करूँगा और उससे यहाँ पे एसी इन बनाएंगे। कितना? 3.3 वोल्ट। तो चलिए 3.3 वोल्ट बनाते हैं। यहाँ पे ये एक्सटर्नल डीसी है, इसमें 3.3 दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने 3.3 वोल्ट यहाँ से इसके ऊपर दिया। और अभी देखते हैं स्टेटस, देख सकते हैं जैसे मैं इसके ऊपर एसी इन को बना रहा हूँ एसी इन, तो डीसी मशीन जो है वो ड्रॉप कर देता है, डीसी मशीन वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। लेकिन एसी इन को अगर मैं हटाता हूँ आ तो जाता है लेकिन एलईडी ग्लो नहीं हो पाता। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करेंगे आप लोग, इसको पकड़ना पड़ेगा कैमरे पे, इससे पकड़िए। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसमें एसी इन दूंगा तो हल्की सी लाइट ये ग्लो करता है, लाइट ग्लो करता है लेकिन फिर वो बंद हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एसी इन के सेक्शन में है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एसी इन के सेक्शन में है। तो चलिए चलते हैं उसे ट्रबल। मैक्रो की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी स्क्रीन की तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं बड़ी स्क्रीन को हाइड कर दे रहा हूँ और मैक्रो को फुल पे कर लेते हैं। चलिए तो अभी जो हमें चेक करना है वो एरिया है आईसी का पिन नंबर 9, इस पर देखते हैं स्टेटस क्या है। यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए, यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज मिल रहा है या नहीं पिन नंबर 9 पे। डायरेक्ट आईसी के पिन नंबर 9 पे चलेंगे और चेक कर लेंगे यहाँ का स्टेटस क्या है। ये वो आईसी है जहाँ पे हमें चेक करना है। यहाँ पे पिन नंबर 9 पे चेक करेंगे, 4, 4, 8, 9 ये पिन नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट मिल रहा है पिन नंबर 9 पे, 3.3 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये डिटेक्शन तो सही ले रहा है।
प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है इसको आगे देखते हैं, ये पिन आगे कहाँ गया है। पिन नंबर 9 के बाद ये एक रजिस्टर पे गया है जिसका नंबर है PR173, लेकिन ये PR173 के जगह आगे गया है, यहीं से ये SIO को चला गया है, SIO चिप को। इसके बाद ये आगे यहाँ पे डायोड पे भी गया है, जैसे ही 3.3 वोल्ट यहाँ पे बनेगा ये 3.3 वोल्ट आगे आएगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। ट्रांजिस्टर के ऑन होते ही ये सारा वोल्टेज ACO के हैज़ का ग्राउंड होगा, जिसके वजह से यहाँ पे PQ18 बंद हो जाएगा और गेट के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज बन जाएगा। तो खैर अभी तो गेट के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है, लेकिन जब मैं AC इन पे 3.3 वोल्ट देता हूँ, इंजेक्ट करता हूँ, तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलिए चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे PQ17 के ऊपर, चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है वोल्टेज का, वहाँ पे 3.3 हमें मिल रहा है या नहीं। PQ17, तो PQ17 को चेक करेंगे यहाँ पे। PQ17 ये देखिए, यहाँ पे PQ17 आप देख पाएंगे, यहाँ पे PQ17 है, मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये PQ17 है यहाँ पे। इसके ऊपर चेक करते हैं क्या स्टेटस है। ड्रेन के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे 0.89 है, सोर्स ग्राउंड है, एक्चुअल में ट्रांजिस्टर है, बट आप एक मॉसफेट की तरह अगर समझेंगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। ये ड्रेन समझ के चलिए, और ये सोर्स और ये गेट, तो यहाँ पे 5.6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3.3 जो थी वो कंप्लीट नहीं, फिर भी 2 तो आनी चाहिए थी, 1.5, 1.8 इस तरह से, लेकिन यहाँ पे 0.8 आ रहा है इसके बेस के ऊपर। जब इसके बेस के ऊपर कम वोल्टेज है तो इसके कलेक्टर के ऊपर जो भी वोल्टेज है वो इमीटर से ग्राउंड नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए अभी इसके इस पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है चेक करते हैं। अगर ये 3.3 वोल्ट यहाँ से आउट होकर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, साथ ही साथ SIO पे भी नहीं जा रहा है, तो सीधी सी मतलब है, सीधा सीधा मतलब है, या तो ये रजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा है, ये 3.3 वोल्ट को यहाँ से पास नहीं होने दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन, इस पिन को यहाँ पे ये आया हुआ है, ये जो देख रहे हैं मॉसफे, ये रजिस्टर तो 1 मेगा का है, ये भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। AC इन और कहीं जा रहा है क्या, एक बार कंफर्म करते हैं, मतलब बीच में कहीं कोई कैपेसिटर्स वगैरह मिले तो वो ड्रॉप कर सकता है इस वोल्टेज को। यहाँ पे AC इन आ रहा है इसके ऊपर, PG के ऊपर, मे बी ये भी वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है PR17 के नाम से जो है। इस रजिस्टर को एक बार हटा के देख लेंगे, उससे पहले फिर उसके बाद डायरेक्ट IO पे चला गया, ये तो कंपोनेंट यूज़ किया नहीं गया है, मतलब जो भी है यहीं पे है, या तो बूस्ट रेगुलेटर IC प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर ये PR173 प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए एक बार PR173 को चेक करते हैं, उससे पहले यहाँ पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो कम है उसे एक बार फुलफिल करते हैं, मतलब यहाँ पे 3.3 वोल्ट मैनुअली दे के देखते हैं क्या होता है। तो PQ17 के ऊपर मैनुअली 3.3 देते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे मैं मैन्युअली 3.3 दे रहा हूँ DC मशीन से, मिनी DC से 3.1 दिया। जैसे मैं यहाँ पे 3.1 देता हूँ तो DC का जो लोड था वो और घट जाता है, मतलब काम नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है एक बार चेक करते हैं। चेक क्या करेंगे, इसके ड्रेन पे अभी वोल्टेज नहीं होना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है, ड्रेन के ऊपर वोल्टेज मिल रहा है हमें, जबकि ड्रेन पे वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। कलेक्टर के ऊपर जो भी वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाएगा कब, मतलब कलेक्टर और इमीटर आपस में कनेक्ट हो जाएगा जब इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज आए 0.7 से प्लस, 0.6 से प्लस। तो यहाँ पे मैं 3.3 दे रहा हूँ, बट ये ग्राउंड तो नहीं कर पा रहा है वोल्टेज को। पहली बात तो ये ट्रांजिस्टर मेरे लिए फॉल्टी है, क्योंकि ये ग्राउंड नहीं कर रहा वोल्टेज को। एक बार मैं इसे ग्राउंड करके देखूंगा। मैंने AC इन तो यहाँ से बना दिया, AC इन यहाँ से बना दिया। मैं अभी आपको अगर चेक कराऊँ 86 पे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, लगभग इस बीच में कहीं पे 86 था, वहाँ पे आपको 3.3 मिल जाएगा। खैर कोई नहीं, अगर मैं इसे मैन्युअली ग्राउंड कर दूँ तो बात बन जाए। मैं ट्वीजर से इसे ग्राउंड कर रहा हूँ, अभी देखिए DC में 31 गया, यस
लाइट दिखाइए, डी डी इसकी लाइट दिखाइए जो ग्लो किया हुआ है कैमरे में। इसका लाइट मैक्रो में दिखेगा, बड़ा वाला कैमरा खुला हुआ है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ आपको सिर्फ अभी। और थोड़ा सा हिलाइए, और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना, मेरे साइड और आएगा, मेरे हाथ के साइड। यहाँ देखिए मैं हटा दिया ट्वीज़र, बंद हो गया, ट्वीज़र लगाया, ये लाइट ग्लो कर गया, मतलब बोर्ड ऑन हो जाएगा। चलिए तो प्रॉब्लम क्या निकला, जब इस ट्रांजिस्टर के ऊपर 3.3 वोल्ट देते हैं तो ये ऑन होने की बजाय और बंद हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसे चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे इसको, उसके बाद कुछ करना है हमें इस बोर्ड में। उससे पहले एक बार हो सकता है एसी इन ये पास ना करे, तो हम यहाँ से यहाँ पे एक जम्पर लगा के भी देखेंगे, मतलब ट्वीज़र से शॉर्ट करके देखेंगे एसी इन बनता है या नहीं। और हम लोग क्या करके देखेंगे, एक बार मैं इसे कंप्लीट ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं मैक्रो को ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं बोर्ड को ऑन करूँ तो आप देख पाएँ। ये बोर्ड है, बजर मोड पे है मल्टीमीटर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको पकड़िए, बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखे यहाँ पे बोर्ड ऑन, और फैन टूटा हुआ है क्या, वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, टूटा हुआ है फैन, टूटा हुआ है, वाइब्रेट बहुत कर रहा है। तो ये बोर्ड ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। तो डिस्प्ले भी दे ही दिया होगा, मतलब इस बोर्ड में प्रॉब्लम ये PQ17 कर रहा है या फिर वो लगा हुआ जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक बार वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करूँगा मैं, सबसे पहले PR173 को ढूँढूँगा और इसको शॉर्ट करके देखूँगा। तो मैं ढूँढ लेता हूँ एक बार PR173। तो इस बोर्ड में PR173 जो रहता है वो तीन होगा लाइन से लगा हुआ, 1, 2, 3, और ये वाला मे बी इसका बॉक्स M M बॉक्स M 127 है इसमें, L के बॉक्स में 173 ना, 173 ओके, L L L L L L का बॉक्स ये है 175 173 ओके। यहाँ पे 173 मिल चुका है, ये है वो 173, मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे लगा लेंगे। ये 175 जो देख रहे हैं, ये 175 इसके जस्ट ऊपर वाला 173 है, इसके एक साइड 3.2 है जबकि दूसरे साइड वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं इसे ट्वीज़र से शॉर्ट करूँ तो, ओ वाओ, शॉर्ट करने से दोनों साइड वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, शॉर्ट करने से दोनों साइड वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जबकि ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वोल्टेज ड्रॉप हो ले लेता है अगर हम शॉर्ट करते हैं। तो एक बार मैं इससे निकालूंगा पहले PR17 को। अगर PR17 को निकालने से सबसे पहले हमारा काम है अब एसी इन के ऊपर जो वोल्टेज 3.3 नहीं बन पा रहा है उस 3.3 वोल्ट को बनाना। तो वो कैसे बनेगा, इस रजिस्टर के आउटपुट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको 1 बाय 1 हटा के देखेंगे। तो ये रजिस्टर भी हटेगा, ये भी हटेगा, कंपोनेंट्स भी हटेंगे, एक बार रिमूव करके देखते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको निकाल लेता हूं मैं यहां से मैक्रो पे ही रहते हैं। डीसी बंद कर दीजिए, मुझे निकालना है 1 PQ17, इसे निकालेंगे यहाँ से। एयर कम कर दीजिएगा,
तो ये निकल चुका है, अभी बोर्ड में पावर देंगे। ऑन कीजिए बोर्ड को। बोर्ड में पावर दे चुके हैं, कम है, लेकिन हमारा मेन जो काम है वो एसी इनको चेक करना है। अभी हम एसी इनका स्टेटस देखेंगे क्या है। थ्री पॉइंट थ्री है, आउटपुट के साइड ज़ीरो है। इसको एक बार शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। वन फोर, वन थ्री, अभी भी ड्रॉपिंग है इसमें। अब एक बार मैं 127 को हटाऊंगा, और ये PD4 जो देख रहे हैं इसे भी हटाएंगे। PD4 और 127, PD4, 127, PD4, ये रहा PD4। इस PD4 को भी रिमूव करते हैं यहाँ से। लास्ट में ऐसा है, चिप पे बात आ जाती है या फिर चार्जिंग आईसी पे। ये भी हट चुका है यहाँ से। अभी चेक करते हैं इस सीन का स्टेटस। अभी भी एसी इनके एक साइड ठीक है और दूसरे साइड सही नहीं है। एक बार मैं इससे शॉर्ट करके देखूंगा। 30 तो आया, लेकिन ये 3.3 सही नहीं हो पाया। 3.3 सही है, इधर इधर की ओर ड्रॉपिंग है। अगर मैं इंजेक्ट करूं यहाँ पे तो कोई स्टेटस, कोई लोड, कोई लोड नहीं। मे बी ये रजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा हो। एक बार इसके नीचे का 175 रजिस्टर भी हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ड्रॉप ले रहा है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है उसको हटा दें। वैसे ही 120, 100, 100 के का है ना, 100 के का रजिस्टर है, बट हम 100 हटा के यहाँ पे 10.8.2 का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ड्रॉपिंग जो है वो रजिस्टर जो है करंट को कम से कम रोक पाए और ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो पाए। ऑन कीजिए। 3.3 ओके। आउटपुट में अभी भी 3.3 नहीं मिल रहा है हमें। वन पॉइंट फोर, 3.3, 1.4, 1.4, अभी भी ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इस ट्रैक के साथ और क्या बचा? PR127 बचा हुआ है अभी तो। 127 तो बहुत ज़्यादा वैल्यू का है, ये प्रॉब्लम करेगा नहीं। फिर भी 127 को भी रिमूव कर देता हूँ मैं। अब ये 127 कहाँ मिलेगा? ये वाला, ये तीन रजिस्टर के बीच में जो देख रहे हैं ये है 127। इसे भी हटाएंगे यहाँ से। कोशिश करेंगे आईसी चेंज ना करना पड़े।
जब आपको लगे आपका ट्वीज़र यूज़लेस हो चुका है उसी समय उसे चेंज करें। ज़्यादा महंगी ट्वीज़र यूज़ नहीं करनी है, 50-60 रुपए वाली कोई भी ट्वीज़र यूज़ कीजिए ताकि चेंज करते समय आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ट्वीज़र महंगी हो या सस्ती टेढ़ी होनी है तो वो होगी होगी। अभी भी ये ड्रॉप ले रहा है, वन पॉइंट फोर अभी भी इसमें ड्रॉपिंग है। अब ये डायरेक्टली जो एसी इन है इसका ट्रैक अब तो कहीं नहीं बचा, अब ये डायरेक्ट जा रहा है एसआईओ चिप पे और एक जगह जा रहा है जो है 19 वोल्ट वाला ये बूस्ट रेगुलेटर आईसी। इसमें अब एक आईसी बचा हुआ है जिसका नाम है ये बूस्ट रेगुलेटर आईसी। ये अगर पावर गुड ना दे तो एसी इन ग्राउंड हो सकता है। तो एक बार PR73 को एक बार थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं, PR73 को। तो PR73 जीरो ओम का एक रजिस्टर है, PR73। अब ये PR73 ढूंढना पड़ेगा हमें जो कि बूस्ट रेगुलेटर आईसी के आसपास मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। PR5 PR73 इस तरह से एक रजिस्टर होगा, मिल तो चुका है लेकिन एक्चुअल में इसका लोकेशन क्या है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। PR73 एक कंप्लीट ट्रैक है, उस ट्रैक पे दिया हुआ है, मतलब कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट की जगह ट्रैक है। ये देख रहे हैं अभी PR73, इसके जस्ट नीचे देखिए ये ट्रैक PR73 का है। तो इस ट्रैक को हम लोग कोशिश करेंगे कट करने का, मतलब ब्रेक करने का। ये है ये PR73 का ट्रैक, तो इसको हल्का सा कट कर देते हैं। थोड़ा सा सावधानी से करना होगा, मैं इधर करके कर देता हूँ। शायद ये कट हो चुका है, इसका नंबर है 15। फिफ्टीन पे पाँच दस पंद्रह कोई वोल्टेज नहीं है 15 पे। और अभी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे 3.3। ओके जी हाँ, देखिए यहाँ पे 3.3 बन चुका है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चेक करा देता हूँ आपको फिर से मैं। यहाँ पे देखिए ये जो आईसी है, यहाँ पे ये आईसी है और ये रहा, हम लोगों ने यहाँ पे हल्का सा ट्रैक कट किया है, ये ट्रैक शायद लाइट की वजह से ना दिखे। और इसके बाद जो रजिस्टर था इस आईसी के पास, इस रजिस्टर का एक साइड अगर आप देखेंगे शायद ऑन नहीं है, आगे आ गया, ग्राउंड सही से नहीं है। 3.3 वोल्ट यहाँ पे है रजिस्टर के इनपुट में, रजिस्टर के आउटपुट में भी 3.3 बनने लगा प्रॉपर। अब इसके बाद यहाँ से जो हमने कंपोनेंट गायब किया था इसके गेट पे भी आना चाहिए था वोल्टेज, जो कि अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि बीच से यहाँ से भी हमने रजिस्टर को हटा चुका है, हटा लिया है 1 मेगा वाला। तो 1 मेगा वाला रजिस्टर मैं लगा दे रहा हूँ वापस। तो सभी कंपोनेंट्स को मैंने इधर ही रखा था ताकि लगाने के काम में आए बाद में। कहाँ है वो, ये है शायद, मतलब कोई भी रजिस्टर है, बस एक रजिस्टर चाहिए। वैल्यू अप डाउन भी होगा तो चलेगा, डिटेक्शन पिन पे वैल्यू अप डाउन नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी थोड़ी वो चेंजेस आप इधर उधर कर सकते हैं, रिपेयरिंग में ऐसा ही होता है क्योंकि मेन मकसद होता है बोर्ड को रिपेयर करना। तो जो थ्योरी पढ़ते हैं और जो रिपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा का फर्क हो जाता है। चलिए लगाते हैं इसको, बंद किया है डीसी। तो ये रजिस्टर लगेगा कहाँ पे, ये रजिस्टर लगेगा यहाँ पे,
जी लग चुका है। अब इसके बाद उस ट्रांजिस्टर को भी मैं एक बार लगा दे, नहीं ट्रांजिस्टर नहीं लगाएंगे ये वाला, मैं नया कोई मॉसफेट लगाता हूँ एक एन चैनल का। ऑन कीजिए एक बार डीसी को, पहले कंफर्म कर लेते हैं वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं। डीसी ऑन है, एक बार यहाँ पे मैं चेक कर लूँ गेट के पास वोल्टेज पहुँचा या नहीं। एक साइड तो 3.3 वोल्ट इस रजिस्टर के आ रहा है, दूसरे साइड अप्रोक्स 2.7 2.6 है और इसके गेट पे भी अप्रोक्स 2.7 2.6 है, मतलब वोल्टेज तो पहुंच रहा है। अब एक ट्रांजिस्टर चाहिए मेरे को जो कि एनपीएन हो, या फिर एक मॉसफेट अगर लूँगा तो उस रजिस्टर की जगह मेरे को लो वैल्यू का रजिस्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि तो मॉसफेट को ऑन होने के लिए ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स होगी। देखते हैं जो मिल जाए, कोई भी एक उठा के लगाता हूँ मैं पहले, उसके बाद कुछ करेंगे। क्यू यहाँ पे लिखा है, एक बार सिर्फ चेक कर लेते हैं। वैसे मैक्सिमम चांस है कि मॉसफेट ही लगाना होगा क्योंकि मॉसफेट फाइंड आउट करना बहुत इजी पड़ेगा और ट्रांजिस्टर को थोड़ा मुश्किल। एन चैनल है ये, ठीक है एन चैनल है ये, एक रजिस्टर मिल मॉसफेट मिला है जो कि एन चैनल है। उस एन चैनल मॉसफेट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और जो लो हाई वैल्यू का जो रजिस्टर है उसको हटा के हम डायरेक्ट जम्पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। एसएमडी का हीट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कहाँ गया, चलिए हटाइए, दूसरा निकालते हैं, ज़्यादा प्रेस कर दिया ना इस वजह से, इधर नीचे चला गया होगा। मॉसफेट तो हो गया गायब, अब ढूंढना पड़ेगा दूसरा मॉसफेट जो कि एन चैनल ही हो। मिल चुका है एक और एन चैनल, उसको लगाता हूँ मैं। मॉसफेट निकल चुका है, इस मॉसफेट को यहाँ पे लगा देंगे। था ट्रांजिस्टर लेकिन लगाना है अभी हमें मॉसफेट को, तो मॉसफेट के अकॉर्डिंग ही हमें सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। चलिए एक बार पहले ऑन करके देख लेते हैं, उसके बाद रजिस्टर चेंज करेंगे। ऑन कीजिए, अभी मैं इसके गेट पे देखूंगा वोल्टेज का स्टेटस। तो यहाँ पे जो रजिस्टर था पहले ये वाला, इसके एक साइड 3.3 ओके है, दूसरे साइड अगर मैं देखूँ तो 3.3 है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 मेगा का जो रजिस्टर लगाए हैं इसके एक साइड 3.3 है, दूसरे साइड अप्रोक्स 2.6 या 2.4 है और PR17 के गेट पे अगर मैं देखूं तो अप्रोक्स 2 है। ये वोल्टेज ड्रॉप किया क्या, ड्रॉप कर चुका है और डीसी में जो एम्पियर दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बोर्ड ऑन होगा। बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड ऑन हो चुका है, फैन स्पिन हो रहा है, मैं मैक्रो को हटा देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड ऑन हो चुका है, ठीक है, मतलब उस रजिस्टर को चेंज करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। मे बी थोड़ा देर इसे रन करके देखेंगे, अगर प्रॉब्लम किया तो उसे हटाएंगे। तो ये था इस बोर्ड का ट्रबल शूटिंग
एक्चुअल में रिपेयरिंग बहुत इजी होता है अगर आपको सर्किट का प्रॉपर नॉलेज और प्रैक्टिकल मिले तो, अदरवाइज फिर हवा में फायर करना हो जाता है अगर किसी को लग गया तो, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। एक दो बार बोर्ड ऑफ ऑन करके देखेंगे, ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, फिर से ये बोर्ड ऑन हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग कोर्स, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मैं प्रेफर करूंगा आपको ऑफलाइन, ज़्यादा बेटर रहता है, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर से कीजिए एक बार ऑफ ऑन। आपकी कोर्सेज के दौरान जो भी लैपटॉप रिपेयर होने के लिए आता है आपको उनके ऊपर भी प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं, ये भी लैपटॉप रिपेयर होने आया है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल कंप्लीट आपकी होती है। जो आपकी जो बैचेस होती हैं आपके बैच के अकॉर्डिंग मैं लैपटॉप आपको दे देता हूँ, और आप आपके अंडर रहता है आप अपने हिसाब से बोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब क्लासेस के साथ साथ आपको रिपेयरिंग भी करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको बाद में। एक बार इसका बैटरी है क्या? सिर्फ बोर्ड लाए हैं, बैटरी क्यों नहीं लाए? उनको फ़ोन करिए, चेक हो जाता। चलिए ठीक है, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, और रिपेयरिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिपेयर करवाना है, हमसे जुड़ना है, तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।